Assalamualaikum, welcome to program. लज़त, क्या हाल हैं? कैसे हैं? I'm sure अच्छे होंगे. हर घर में कुछ ना कुछ इसी तरह का वायरल चल रहा है, क्योंकि जब जब मौसम चेंज होता रहता है, चाहे वो सर्दी का हो, गर्मी का हो, या फिर कोई भी मौसम में जब भी चेंज आता है, तो कुछ ना कुछ फ्लू, फीवर, कॉफ भी एक वायरल चीज़ है जो कि देरी होती है. आम शो के सारे लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतर हो रहे होंगे, तबीयत बेहतर हो रही होंगी. तो अच्छा खाना खाना चाहिए, ख्याल अपना बहुत सारा रखें, बहुत सारा पानी पिए. ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको हर चीज़ फौरी तौर पर अटैक नहीं करती, जिसमें से एक मैं भी हूँ. ऑब्वियसली मैं भी जितना गाइड कर रही होती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं खुद भी अच्छा रहूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भी उसका शिकार हूँ जो कि वायरल ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं. एनीवेज़, बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं. नाम शो के आपको आज की रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी लगेंगी, जिसके लिए आप लोग यकीनन तैयार होंगे. चाय का टाइम होता है, आराम से बैठे होते हैं, रेसिपी सीखने का भरपूर मौका आप लोगों को मिल जाता है. आज का टॉपिक क्या लेकर आए हैं और किस पे बात करेंगे, सबसे पहले मैंने जो ड्रेस आउटफिट वेयर किया हुआ है वो सनोबर सिद्दीक का है, बताते चले. खूबसूरत अच्छा एक और विंटर कलेक्शन का, जितने वेलवेट के ड्रेसेस थे मैंने कहा सब मुझे दे दें, ताकि जो है अच्छी सर्दी को मना सकें. वेलवेट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें इंसान कम्फर्टेबल फील करता है, पार्टी वेयर भी हो जाता है. तो सनोबर सिद्दीक के खूबसूरत डिज़ाइन जो कि आप देख रहे हैं. अच्छा, आज हम क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, जब भी मैं कोशिश करती हूँ आपके सामने कोई बात लेकर आ रही हूँ, तो बहुत सारी स्टडीज़, बहुत सारी रिसर्चेस एंड ऑब्वियसली डॉक्टर से भी मैं पूरा बातों को, चीज़ों को ऑथेंटिक करके, ताकि सही इन्फॉर्म्ड मैं रहूँगी तो आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगी. तो मेरी कोशिश यही होती है जब भी कोई चीज़ लेकर आऊँ तो उसके ऊपर बात करें. अच्छा, हमारे यहाँ कॉमनली एक बहुत चीज़ कॉमन है जो कि होती है और हमें मालूम नहीं होता, और वो है यूरिक एसिड की शिकायत. हमारे वो खाने ही ऐसी चीज़ हैं जो कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली खा रहे होते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता कि हमें यूरिक एसिड की शिकायत हो रही है. ना, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा लेट एज में स्टार्ट होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ. सिम्टम्स में एक शिकायत जो एक बहुत कॉमनली लोगों को अगर एक सिम्टम होता है, वो होता है जो बिग टो यानी पाँव का जो अंगूठा होता है उसमें स्वेलिंग, उसमें जॉइंट, उसके जॉइंट में आपको पेन की शिकायत, इन्फ्लेमेशन, ये तमाम चीज़ें जो है हो रही होती हैं. ज़रूरी नहीं है अंगूठे में ही हो, समटाइम्स वो एंकल में भी होता है यानी कि टखने में भी होता है, समटाइम्स आपकी एल्बो में भी ये शिकायत मिलेगी एंड नीज़ में मिलेगी. ये है कुछ जॉइंट जो कि कॉमनली यहाँ से आपको फील हो सकता है, यहाँ आपको स्वेलिंग मिलेगी, यहाँ आपको पेन मिलेगा. ये है कुछ शिकायत. कौन से ऐसे खाने हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड जो है बढ़ जाता है? अच्छा, जो भी चीज़ हम खा रहे होते हैं ना, हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है और फिर वो जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो यूरिक एसिड बनाता है. कुछ यूरिक एसिड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जब वो एक्सेस हो जाता है तो हमारे लिए वो डेंजरस होने लगता है, हमारी रीनल यानी किडनी के फेलियर की तरफ जाता है, क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म करता है जिससे स्टोन्स और बहुत सारी और शिकायत होने लगती हैं. हार्ट के भी इशूज़ होते हैं और बहुत सारे और मेजर इशूज़ हैं जो कि अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है और आपको नहीं मालूम है, फिर भी आप बहुत सारे ऐसे खाने खा रहे हैं, तो आपको ये तमाम मेजर इश्यूज हो सकते हैं. तो इसलिए एक तो इसका चेक ज़रूर करना ज़रूरी है. इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी में जो जो चेंजेस हो रही हों आप इसको सीरियस लें, क्योंकि हम चाहते हैं, यही हमारा कुकिंग चैनल है, तो हम खाने से रिलेटेड आपको रेसिपीज, ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं. बस बहुत सारे उन खानों के ऊपर भी बात करें जो कि वो खाने जो हमारे लिए हेल्दी हों और वो खाने जो कि किसी न किसी रीज़न के तहत आपके लिए हेल्दी नहीं है. अच्छा, तो ये तो तमाम चीज़ें हो गई. उसके साथ साथ कौन से ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड चीज़ें हैं जो कि आपने नहीं खानी है? सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है कि सिट्रस फ्रूट आपने अवॉइड करना है, नहीं खाना है. सिट्रस में आपको मालूम है कि कौन सारे, ये हमारे ऑरेंज की फैमिली, लेमन की फैमिली में जितने आते हैं, ये सारे जो है सिट्रस फ्रूट में आ रहे होते हैं, जिनको आपने अवॉइड करना है. योगर्ट यानी दही का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है. आपको फैट्स एंड प्रोटीन बेस्ड जितनी चीज़ें हैं वो आपने अवॉइड करनी है. और इसके साथ साथ वो कौन सी चीज़ें हैं फिर आप खा सकते हैं? आप एप्पल खा सकते हैं, आप बेरीज खा सकते हैं, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है बेरीज के अंदर, तो वो आप खाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है. ग्रीन वेजिटेबल्स जिनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं. टोमेटोज़ आपने अवॉइड करने हैं, वो आप नहीं खाएंगे. तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल आप करेंगे और वो तमाम लोग वेट लॉस
की तरफ जाएं जिनका वेट बढ़ा हुआ है, उनको लगता है कि जी हमारा यूरिक एसिड बढ़ा, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जितना आपका किडनी अच्छा फंक्शन करेगी, जितना आप यूरिन बार बार पास करेंगे तो उससे ही बेहतरी हो सकती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं बाकायदा तौर पर लेकर आई हूँ पूछ पूछ के, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर सकें, क्योंकि बहुत सारी केसेस जो कि मैं अपने रिलेटिव्स में भी देख रही होती हूँ जो इस तरह के हो रहे होते हैं और हमें नहीं मालूम होता हो, ज़रा सी तो स्वेलिंग है जॉइंट पे, ये तो ठीक हो, ये तो शायद लगी होगी हमें, हम इस चीज़ को बहुत ईजी ले लेते हैं, जबकि यही चीज़ जाके आगे जाके प्रॉब्लम कर जाती है। तो इसीलिए फौरी तौर पर स्टॉप किया जाए, उसको चेक किया जाए, डॉक्टर से बेहतरीन गाइड लिया जाए। मैं इसलिए आपको कोई मेडिसिन नहीं बताती, लेकिन हाँ फूड ऐसा बता सकती हूँ जो कि आपके लिए कौन सी चीज़ें हैं जो नुकसान दे सकती हैं और कौन सी हैं जो फ़ायदा देंगी। अब चलते हैं जी आपा की तरफ, क्या कर रही हैं आपा, आज की रेसिपीज लेकर आई हमारे लिए बहुत ही खास और आपा ने कहा क्विक है, बड़ी आराम से हम सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है ये बताइए। कोशिशों में लगी हुई हूँ बेहतर से बेहतर हो जाऊँ और आप लोगों के साथ सामने अच्छी आके। आप कुछ मुझे लग रहा है एहतियात नहीं कर रही, ऐसा ही है, मुझे ऐसा लगता है हम माएँ जो होती है ना सारा फोकस हमारा बच्चों पे होता है और घर के कामों पे होता है, अपने आप को तो थोड़ा सा इग्नोर कर ही देती है, चलिए जी हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये कि अपने आप को अगर आप इग्नोर करेंगी तो होगा क्या पता है, कि आपकी तमाम चीजें और इग्नोर होंगी। आप अगर ठीक नहीं होंगी तो बाकी आप बच्चे कैसे संभालेंगे, है ना, घर कैसे देखेंगी, बाकी घर वालों को कैसे देखेंगी। तो इसलिए आपका अपना अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सबका सेहतमंद होना जरूरी होता है, लेकिन ये कि आपका अपना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल अपना ख्याल रखें और यखनी वगैरह पीती रहें, जो मेरा ख्याल एक बहुत ही ऐसा टोटका है कि यखनी आप पीते हैं तो आपको एनर्जी भी मिलती है और आपका नज़ला खांसी गला ख़राब और आपका इम्यूनिटी लेवल जो है वो बढ़ता भी है। तो बिल्कुल आप मटन की यखनी पीजिएगा, ठीक है, पक्का प्रॉमिस कीजिए आप। अच्छे बच्चों की तरह मटन की कोशिश करूंगी, देसी चिकन की मिल जाए तो चले ठीक है, वो भी चलेगी, लेकिन लेकिन मटन की आप बना के देखिए, बहुत मजे की बनती है, अच्छी बनती है। आपके कहने से ऑन एयर प्रॉमिस के मैं आगे जाके करने वाली हूँ। चले जी, अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग, यकीन अच्छे होंगे और खैरियत होंगे। जो टोटका मैंने, टोटका तो नहीं है लेकिन ये मेरा आजमुदा है, मैं हमेशा घर में किसी की भी तबीयत ख़राब होती है, इस तरह से गला ख़राब है, कुछ मौसम के असरात है, तो फौरी तौर पर मैं कहती हूँ जी यखनी बनाएं, यखनी पिए, क्योंकि इससे आपका इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ता है, आपको एनर्जी मिलती है, आपका गला सही रहता है और आप ज़रा चाको चौबंद रहते हैं। गर्मा गर्म दिन में 2 से 3 दफ़ा पी लेंगे तो आप यकीन करें दोनों ही तबीयत आपकी अच्छी हो जाएगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप हड्डियों का, हड्डियाँ ले लें, जैसे चिकन की भी हड्डियाँ हैं या मटन की हैं, मटन की हड्डियाँ से ज़रा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं जैसे अपने घर में बनाती हूँ मटन और चिकन दोनों की मिला लेती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। कहते हैं देसी चूजा भी काम करता है। जी जी, वो भी करता है, इतना मासूम सा, वो बेचारा दूसरे को जान देगा। देखें जरा, इतनी छोटी सी, जैसे जुगनू होता है छोटा सा होता है लेकिन रास्ता दिखा देता है, इसी तरह से आप देखें कि छोटा सा चूजा आपको जान दे करेगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल जनाब, आप अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह से आप लोग बनाएं और इन्जॉय कीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि सर्दी है तो ऑब्वियसली हम सर्दी के जो इतने सिट्रस फ्रूट हैं हम वो भी खा रहे होते हैं, अमरूद बहुत अच्छे आए हुए हैं वो खा रहे थे, लेकिन क्या होता है कभी कभी अमरूद से बहुत खांसी भी हो जाती है, लेकिन अमरूद से ही आप खांसी का इलाज भी कर सकते हैं। एक थोड़ा सा कच्चा अमरूद दें, उसको बिल्कुल चूल्हे पर रख के उसको इतना जला लें कि वो बिल्कुल अच्छा सा जल जाए, कोयले की तरह हो जाए, फिर उसको आप पीसें, पीसने के बाद आप उसका जो पाउडर 1/2 टीस्पून शहद में मिला के पिए तो इंशाल्लाह ताला आपकी खांसी बेहतरीन रहेगी, मतलब बहुत अच्छी हो जाएगी। गूदा एक्चुअली नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल कोयले की फॉर्म में हो जाएगा। हाँ, इतना जलाएं कि वो कोयले की फॉर्म में हो जाए स्लो हीट के ऊपर, फिर इसको आप पीस लीजिए। ओके, पीस के आप किसी बॉटल में भर के रख लीजिए और रात में सोने से पहले शहद 1 टेबल स्पून लेके 1/2 टीस्पून उसे मिला के आप पी लीजिए, खा लीजिए इसी तरह से उंगली से, और उसके बाद उसे पानी ना पिए। ओके, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा। चले मैं ये भी करूँ, ये भी करके देखिएगा। अच्छा हमें ब्रेक लेना है, चले फिर ब्रेक ले लें, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ना। रेसिपीज बताएंगे आप? रेसिपी हम बता देते हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी दाल पालक बनेगा, इसके अलावा बफलो विंग्स बनेंगे और बनेगा बफलो सॉस। कैसे बनेगा ये आप देखिएगा, क्योंकि बफलो सॉस आपकी बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा, तो बिल्कुल देखते रहिए। यानी एक सॉस और बहुत सारी रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सॉस बना के आप क्या रख सकते हैं, कैसे बनेंगे, तमाम चीजें, ये तमाम डिटेल्स पूछेंगे आपस से शो पर। हमारी 3 रेसिपीज, इसकी डिटेल है हमारे कॉलर्स, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बैक। और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं काउंटर की तरफ जहाँ हम अपनी रेसिपीज बनाएंगे। सबसे पहले बफलो विंग्स बनेंगे आप? नहीं, पहले हम दाल वो करेंगे क्योंकि उसको थोड़ा सा कुक होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हम पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं मेथी दाल पालक। ठीक है ना। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं और इसमें हम क्या कुछ करने जा रहे हैं। हमारे चमचे बहुत दूर चले गए। मेथी दाल पालक यकीनन बहुत ही मज़े की, और सबसे बड़ी बात यह कि ये बड़ी सीज़न के हिसाब से बेहतरीन रेसिपी, तो उसको आपने ज़रूर बनाना है। अच्छा जी, इसमें हम एक काम ये करते हैं, सबसे पहले तो फौजी बनस्पति VTF बनस्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार है। फोर्टिफाइड विद विटामिन्स ए एंड डी, गारंटीड यूएस रिट्रीटेड, डबल रिफाइंड, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। ये ज़बरदस्त सा फौजी बनस्पति, या फिर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। ये चले गए इसमें। अच्छा, गया है इसमें हाफ अ कप। अब हम डालेंगे इसके अंदर एक अदद प्याज, ठीक है, स्लाइस की छोटी सी हमने चॉप कर लिए। इसके अलावा हम डालेंगे हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चें मैं एक चेक कर लेती हूँ, अगर यहाँ पर मेरे पास सीजर है। चलें जी, हरी मिर्चों को भी हम काट के ही इसके अंदर शामिल करेंगे। जब तक ये हो रही है, मैं हरी मिर्चें जो है, दो हरी मिर्चें इसके अंदर काट लेती हूँ। ये हम बघार में ही डालेंगे, ठीक है ना, बेहतरीन बनेगा। अच्छा, इसके अलावा जो हम इसकी बेसिक चीज़ें वो आपको बता दें, इसमें है मूँग की दाल। ये बेसिक दाल है हमारे पास, मूँग की दाल, जिसको मैंने सिर्फ हल्का सा नमक डाल के बॉयल कर लिया, इसलिए मैंने कर लिया था ताकि आसानी के साथ हम इसको यहाँ कुक कर सके। चने की दाल ये 1.5 कप है, ये 1 कप है, चने की दाल 1 कप, मूंग की दाल 1.5 कप, पालक है यहाँ पे 1.5 कप, और यहाँ मेथी डालेंगे इसमें तकरीबन 1/2 कप मेथी, यानी हरी मेथी जो ये डालेंगे। 2 अदद टमाटर हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, टमाटरों को हमने बॉयल करके चॉप कर लिया, आप चाहें तो उसको वैसे भी डाल सकते हैं। देखिए, मैंने इसको चॉप कर लिया, आप चाहें तो उसको पीस के भी डाल सकते हैं, सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अब ये हरी मिर्चें भी हो गई, ठीक है जी, ये हो गई हरी मिर्चें। अच्छा, टमाटर यहाँ पर हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, ये भी डालेंगे इसके अंदर, लेकिन इससे पहले हम डालेंगे यहाँ पर हींग। हींग से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मैं हमेशा, मुझे कल ही भी किसी ने ये बात की थी कि मैं हींग बहुत सारी चीज़ों में ऐड करती हूँ, लेकिन देखें उसकी वजह ये है कि ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि मैं इसमें कितनी यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये है मेरे पास, सही है, ये बिल्कुल थोड़ी सी मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, तो आप 1/4 टीस्पून ले सकते हैं। ये मेरे पास बिल्कुल जैसे चावल के दाने का बराबर, ये चने की दाल के बराबर है ये, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लें। ये अच्छा सा मिक्स हो रहा है, और अब जाएगी इसके अंदर, ये मेरे पास मौजूद है टमाटर। अच्छा, प्याज को हमने बहुत कलर नहीं देना, तो ये गैस में टमाटर अच्छी हींग की खुशबू आना शुरू हो गई। क्यों अभी आपको आ रही है? हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, टेस्ट अच्छा होता है, जो कि मेरे हो गया। अब जाएगा इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। बहुत ही यूनिक और बड़ी डिफरेंट की दाल है, आपको अच्छी लगेगी। अब जाएगा इसमें नमक मिर्च मसाले। अच्छा, नमक मैंने दाल में ऑलरेडी ऐड किया हुआ था, लेकिन अब हम पालक डालेंगे, इसके अलावा मसाला है, उसके हिसाब से हम ले लेते हैं। ये गया 1 टीस्पून, इसमें हमने नमक डाला। पिसी हुई लाल मिर्च ये मैं इसमें शामिल करूँगी, तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसकी वजह ये है कि मैंने इसमें बिल्कुल भी मैंने मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मैं इसमें लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून डाली। लेकिन मेरी देगी लाल मिर्चें, अगर आपके पास तेज़ हैं तो आप थोड़ी कम डाल लीजिएगा, या आपको तेज़ पसंद तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। तकरीबन 1/4 टीस्पून गई इसमें हल्दी, ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें गई। अब मसाला थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, बेहतरीन सा अच्छा सा हमारा ये मसाला जो है, ये देखिए अभी तो चूँकि इसको हम कुक करेंगे, तो यहाँ पर शामिल करेंगे ये मेरे पास पालक। ये क्या पालक, वॉश कर लीजिएगा अच्छे से, 1.5 कप, ठीक है। इसको अभी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, ठीक है। पालक को बिल्कुल विद इन नो टाइम पालक जो है वो तैयार हो जाता है। अब डालेंगे 1/2 कप इसके अंदर मैं शामिल करूँगी मेथी की। मेथी मेरे पास थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसमें 1/2 कप शामिल करूँगा। ये देखिए इसमें मेथी, ये सर्दियों में ये सब्जी बहुत, ये दाल बहुत अच्छी लगती है, आपने ज़रूर बनानी है, ठीक है। फिर मुझे बताइएगा ज़रूर के कैसी बनी। ये देखा आपने पालक, आप पालक देखा, अच्छा एकदम से, हाँ, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त है। और अब इसमें दाल, लेकिन दाल इसमें सिर्फ एक ही जो आ सकती नहीं, अभी हम दोनों दालें डालेंगे इसे। अच्छा, दाल से हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे
कि बहुत अच्छा सा ये कुक हो जाएगा, ठीक है। वो आपको हम दिखा दें, ये गई चने की दाल, एक कप चने की दाल। इसमें बाइंडिंग के लिए हम ये डाल रहे हैं, ये मेरे पास है मूंग की दाल, जिसे लीजिए इसमें मूंग की दाल। और डालेंगे पानी, पानी डालेंगे हम इसमें तकरीबन एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। ये देखा आपने, चेक करें, अच्छा दालें अच्छी गली हैं, दालें गली हुई हैं वैसे मेरे पास, लेकिन चने की दाल में थोड़ी सी कसर है। अच्छा इसमें क्या है कि अब आप देखिएगा कि ये जो मूंग की दाल है ये तो बिल्कुल मिक्स आपको लगेगी, लेकिन चने की दाल आपको कहीं कहीं नज़र आएगी। इस दाल की कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी हम थिक रखेंगे, ठीक है जी। ये हो गया, अब जाएगा इसमें पानी, पानी जाएगा इसमें तकरीबन एक से सवा कप पानी, ठीक है। आज पानी मेरे नज़दीक था तो मैंने कहा मैं खुद डाल लेती हूँ, ठीक है जी। चले जी ये हो गया, इसको मिक्स कर देते हैं। ओके ये पक, अच्छा इसके बाद जब ये तैयार हो जाएगी, थिक हो जाएगी जैसे पहले थी, इतनी हमें थिक करनी है, ये हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल करूँगी। हमें मेरे पास बघार के लिए कुछ चीज़ें रखी हैं, जैसे कि साबुत लाल मिर्च है, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे क्रश किया हुआ लहसुन है। ये किस तरह से करेंगे ये आप देखते रहिए, ठीक है। ठीक है, मैं इसको कवर करती हूँ। हम कॉलर से बात करते हैं जी, बिल्कुल जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अबीला? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने आपको कहा था कि मेरे ना हाइट के बारे में आप थोड़ी मालूमात बता दीजिएगा। हाँ मैंने इतनी डिटेल में बताया था, एक दो दिन बाद ही आपने मिस कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, ये मैं फिर नेट के इस प्रोग्राम में देख लूंगी। जरूर देखिए, आज का सवाल है पालक में सबसे ज्यादा मिकदार में कौन सा विटामिन है जो पाया जाता है? आयरन, 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 आयरन। ओके ठीक है, हमने नोट कर लिया। और आप लोगों को मिल रहा है एनेक्स की तरफ से, ये है हमारे पास वेजिटेबल स्लाइसर, ये आप लोगों को मिल सकता है, शानदार जबरदस्त सा। तो इसके लिए ये है जवाब जो हमारी कॉलर ने दिया। और कुछ कहना चाह रही है? जी और मुझे ना समीना आपसे बात करनी है, उनको कहना है कि चटनी के बारे में पूछना है। चटनी? कौन सी चटनी? बंधु खान की चटनी। मैंने कहा समीना आपा को बोला कहिए कि मुझे एक दफा सिखा दीजिए, इस सिलसिले में मुझे इनसे बात करनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, एक खास जगह का नाम बता रही है। बंधु खान की जो चटनी होती है ना, बंधु खान की, बता दें आप, कोई मसला नहीं है। बता तो रही, बंधु खान की चटनी। अच्छा हरी चटनी, अरे बताई तो है मैंने, बहुत दफा बताई है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हम कबाब बनाएंगे ना, कोई से सी कबाब बनाए तो उस दिन हम जरूर बताएंगे, ठीक है। डन हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। बहुत लगता है कि ये बंधु खान के कबाब जो है ना खूब खाती है, जाके अल्लाह मैं तो अभी तक नहीं खाए। हाँ चलें जी, आपकी फरमाइश पे बनाएंगे, लेकिन आप अभी आगे नहीं जा सकती। नहीं जा सकती, चले कोई बात नहीं, हमारी चीजें भी आ जाती हैं। तो हम पहले बफलो सॉस बनाएंगे, उसके बाद हम बफलो विंग्स बनाएंगे, फिर उनको फ्राई करेंगे, कैसे सर्व करेंगे आप देखिएगा। ये इसके लिए इंतजार करना होगा क्योंकि शानदार मजेदार से बफलो विंग्स, बफलो सॉस, ये है दो चीजें, दो रेसिपीज जो कि अभी हमने डिटेल में जाननी है। हमने आपसे सवाल किया पालक में सबसे ज्यादा मिकदार में क्या पाया जाता है, ये आप बताएंगे। तो एनिक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर है जो कि आप लोगों को मिल सकता है। तो इसके लिए आपने देना है जवाब 8881 पे या फिर कॉल के थ्रू। रेसिपीज की क्या डिटेल है, दोनों किस तरह से बनाएंगे, वो तमाम चीजें हमारी कॉलर्स उनसे और मजीद बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर दाल मेथी पालक जो एक मजे की दाल है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो रही है और खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। मैंने इसको अब का आ जाते हैं जल्दी से अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बफलो सॉस। अच्छा एक काम करते हैं कि मैंने पहले बफलो सॉस जो पहले मेरे पास था मौजूद, वो उससे मैं मैरिनेशन कर लेती हूँ इसकी। अच्छा मैरिनेशन में क्या क्या है, चिकन विंग्स है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा बटर मिल्क 1/2 कप ताकि कुछ देर इसको हम रख सकें। इसके अलावा लहसुन का हमारे पास यहाँ पे पेस्ट है 1 टीस्पून से थोड़ा सा भर के, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, बटर तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के या 2 टेबलस्पून भी आप कर सकते हैं। हॉट सॉस ये मेरे पास, ये बफलो सॉस जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये मैं इसके अंदर डाल लेंगी, ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा हमारे पास मैदा मौजूद है, मैदा भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अच्छा एक अभी मुझे बड़ा वाला स्पून दीजिएगा, टेबल। अच्छा आपको बफलो सॉस मिल जाती है मार्केट में मिलती है, लेकिन ये मेरे पास अपने घर का बना हुआ था तो मैंने कहा पहले इसको मैरिनेट कर देते हैं, वो मैं अभी आपको बनाना सिखा रही हूँ, आप परेशान हरगिज भी मत होइएगा। अच्छा अब आप चाहें
तो इसी के अंदर आप शामिल कर सकते हैं क्या, आप मैदा शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग करूँगी। नमक डालेंगे यहाँ पे जायके के मुताबिक, तकरीबन इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है जी, ये हो गया इसकी मैरिनेशन। अब आ जाते हैं बफलो सॉस पे। बफलो सॉस का जो बेसिक इन्ग्रीडियंट होता है वो होता है बटर। ये क्या बटर, बटर है मेरे पास तकरीबन आधा कप के करीब। ठीक है, आधा कप बटर है, इसको थोड़ा सा हम मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि सारी चीज़ें हम मिलाएंगे, उसको कुक कर लेंगे। इसके अलावा ये मेरे पास जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, ये देखें जी, ये यहाँ पर मौजूद है वर्स्टरशायर सॉस, ये चला गया। गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ये चला गया। ये यहाँ पे मेरे पास मौजूद है हॉट सॉस थोड़ा सा, ये डालूँगी। इसके अलावा पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, ये चला गया। अब डालेंगे हम इसमें वाइट पेपर पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, ये देखिए जी, ये क्या 1 टीस्पून। इसको मैं मिक्स करती हूँ। अब बारी आती है कि इसके अंदर हम डालेंगे ये वाला, ये सॉस ना। कौन सा सॉस? ये दीजिएगा मुझे विनेगर दीजिएगा पहले। तो सबसे पहले विनेगर, जो कि हाउस ऑफ समरा से फ्रेश स्ट्रीट का ज़बरदस्त सा वाइट विनेगर ये है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। विनेगर भी मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन आप जब अच्छे विनेगर की आपको तलाश हो कि आपको सही अच्छा विनेगर चाहिए, तो वो है फ्रेश स्ट्रीट की, जहाँ डिफरेंट सॉस डिप्स एंड बहुत मज़ेदार से डिज़र्ट के लिए आपके पास वैरायटी मौजूद है, रिच क्रीमी थिक और बहुत ज़बरदस्त सी। आप देख सकते हैं हमारे बैग पे भी इतनी सारी वैरायटी है, जहाँ सॉसेस की और सिरप्स की डिज़र्ट्स को ख़ास बनाने के लिए आपकी लाइफ को आसान किया है फ्रेश स्ट्रीट ने। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून शुगर, ये मैंने डाल दी। इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे, यहाँ पर मौजूद है फ्रेश स्ट्रीट का थाई चिली सॉस, ज़बरदस्त सा, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये जाएगा तकरीबन आधा कप के करीब। अच्छा, ये चिली पेस्ट भी इतना मज़े का है, हम भी इसके साथ फ्राइज लगा के खा रहे थे। कोई भी आपके पास रोस्ट कोई भी चीज़ है तो ये साथ भी बेहतरीन है ये था चिली सॉस। अब ये हमारा, इसको थोड़ा सा हम थिक करेंगे। अच्छा, इसको आप इसकी शेल्फ लाइफ इस तरह से कि आप इसको फ्रिज में रखेंगे। देखेंगे बटर इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई, ये देखा आपने कितना बेहतरीन सा ये हमारा सॉस जो है ये तैयार हो गया। अब हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन जिस वक्त भी आपको इस्तेमाल करना है निकालें, थोड़ा सा हीट करें इसको, माइक्रोवेव में कर लेंगे, जैसे भी आप करना चाहें। ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारा हो चुका है ये तैयार। इसको मैं निकालूंगी और इसको हम सर्व करेंगे, क्योंकि जब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ज़रा सा इसमें एक थिकनेस और बढ़ जाएगी। ये मैं जब ठंडा हो जाएगा तभी भी आपको चेक करूंगी कैसे होगा। आ जाते हैं इस रेसिपी को कंप्लीट करेंगे किस तरह से। हम कॉलर से बात करें? बिल्कुल, आप जब तक कॉलर से बात कीजिए। जी हमारे साथ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अबील? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे आपसे कुछ पूछना था। प्लीज पूछिए। कुछ पूछिए आप, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी, खैरियत से, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, और आप ये बना रही हैं आप मेथी दाल पालक के साथ, मतलब है तो मैं जो बहुत मतलब अच्छी डिश लग रही है। दूसरे मुझे हींग के बारे में पूछना था कि आप थोड़ा सा ऐड करती हैं तो ये हमें किन किन चीजों में जैसे यूज करनी चाहिए, और इसकी थोड़ी सी अफादियत के बारे में बताइएगा। चलें ठीक है, बिल्कुल बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। और कुछ कहेंगी? दे देती हूँ। हाँ जी, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी, ये मैंने पालक में आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, जैसे फर्ज करें कि 100 ग्राम पालक है तो 2.7 इसमें मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। ओह माय गॉड, क्या जबरदस्त आपकी वो है मेजरमेंट, बताइए इन्होंने कि किस कितने में। तो आप थोड़ा बताइएगा मुझे ये ऑन ईयर। चलो ठीक है, सही ठीक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये मेरे पास मौजूद है बेकिंग पाउडर, फ्रेश स्ट्रीट का बेकिंग पाउडर मौजूद है। एक कप मेरे पास यहाँ पर, एक कप से थोड़ा सा कम है, ये मेरे पास मौजूद है मैदा। इससे मैं डालूंगी फ्रेश स्ट्रीट का ज़बरदस्त सा ये बेकिंग पाउडर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त सा मौजूद है। इसमें 1 टीस्पून, थोड़ा सा इसमें हम नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद जो मेरे पास ये विंग्स रखें, इसको चाहें तो आप इसके अंदर भी डाल दें या अलग से भी आप इसको कोट करें और इसको डीप फ्राई कर लीजिए। डीप फ्राइंग के लिए आपको पता है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल मौजूद है, इससे हम इसको
बहुत अच्छा साफ फ्राई करेंगे, ठीक है जी। ये सॉस हमारा तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, ये जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा है थिक होता जा रहा है, तो बेहतरीन सा हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे, सही है। अच्छा, यहाँ पर दाल के बारे में थोड़ा सा दिखा दें आपको। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, हमारी कॉलर ने कहा कि जी हमें हींग किस किस चीज़ में डालना चाहिए। हाँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं जैसे कि मुझे उसका फ्लेवर भी अच्छा लगता है, दूसरी बात ये कि फ़ायदेमंद चीज़ है, और सबसे बड़ी बात ये कि बादी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सब्ज़ियाँ कुछ बादी होती हैं जिसमें कि हम जैसे मटर बनाते हैं, मटर मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं, पालक बनाते हैं, बैंगन बनाते हैं, या बैंगन आलू बनते हैं, गोभी आलू बनाए जाते हैं, इन सब में अगर आप हींग की मिकदार को थोड़ा सा शामिल करें तो ये आपको अच्छे से हजम हो जाएंगी ये चीज़ें। दालें हैं जैसे कि चने की दाल है, चने की दाल आप बनाते हैं उसमें डालें, या माश की दाल मसाले वाली बना रहे हैं उसमें आप उसको शामिल करें, बेहतरीन इसका जायका आएगा। अच्छा, कड़ी हम बनाते हैं तो कड़ी में भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, इसके हम तड़के में शामिल करते हैं, और या फिर हम दही फुल्की बनाते हैं, नॉर्मल दही फुल्की बनाते हैं जो रोटी के साथ भी हम कभी कभी खाते हैं, तो उसके पर भी अगर आप हींग का हल्का सा बघार लगाएं। लेकिन हर चीज़ में अगर आपके पास हाफ़ के जी क्वांटिटी में कोई भी चीज़ है, जैसे कि दाल है या सब्ज़ी है, तमाम चीज़ें, तो उसमें एक चने की दाल, जितने आपने देखा है चने की दाल का जो दाना होता है उसके बराबर हींग का एक पीस लीजिए, और या तो आप ऑयल में उसको डाल दें या पकते में भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्राइंग में डालेंगे तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो जैसे कि आप कटलेट्स बनाते हैं डिफरेंट तरीके के, उसके अंदर भी उसको शामिल कर सकते हैं, तो इससे इसका जायका बहुत अच्छा रहता है। लोबिया हम बनाते हैं, लोबिया यानी लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, कोई भी लोबिया बनाते हैं उसके अंदर भी इसका अगर आप बघार बेहतरीन होता है, ठीक है। लेकिन एक ये है कि इसके टेस्ट के डेवलप होने की बात है, आपको फ़वाद पता होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, लेकिन कभी कभी आपको उसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, आपको टेस्ट नहीं अच्छा लगता। हींग हमारे यहाँ दरअसल यही समझा जाता है, सिर्फ माश की दाल के जब दही बड़े बनते हैं उसमें, या फिर माश की दाल में डाली जाती है, या फिर बच्चों के पेट, या बच्चों का पेट का दर्द जो होता है तो उसमें इस्तेमाल की जाती है। हाँ। बच्चों के पेट का दर्द होता है तो उसमें किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हींग को हल्का सा पानी में भिगो के हल्का सा गर्म करते हैं, और बच्चे की जो नाफ होती है जिसको कहा जाता है उसके इर्द गिर्द हल्का सा लगा दिया जाता है, खिलाया नहीं जाता है, काइंडली बच्चे को कहीं खिला मत दीजिएगा। हाँ। हल्का सा लगा के उसकी शिकायत करें तो बच्चे का इंशाल्लाह ताला सही हो जाएंगे, सब पेट वेट सही हो जाएगा, जो अपसेट होता है, ठीक है। अब शायद ब्रेक का टाइम आ गया। अच्छा, यहाँ पर हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रखेंगे और कोटिंग करेंगे इस मैदे की, जिसमें हमने फ्रेश स्ट्रीट का बेकिंग पाउडर शामिल किया है, और उसकी कोटिंग करेंगे और उसकी फ्राइंग कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप हमारा प्रोग्राम देखते रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो उसका तड़का भी तैयार करें। डन हो गया। तो फ्रेश स्ट्रीट की आपने देखा किस तरह से हमने सॉसेस इस्तेमाल किए हैं फ्रेश स्ट्रीट में, जहां सॉसेस हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, फ्रोजन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मौजूद हैं, जो कि आपको अच्छी, बेहतर और बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें दे रहे होते हैं। इसी तरह से एक ब्रांड सिब्लू भी है, जो कि ऑल द गुडनेस ऑफ सी। जब आपको अच्छा सी फूड चाहिए, बेस्ट, ज़बरदस्त सा और फ्रेश, आप चाहते हैं कि आपको वो सी फूड मिल जाए, जब आप खाएं तो आपको अच्छा भी लगे, ज़बरदस्त लगे और टेस्ट अच्छा हो, तो सिब्लू नंबर वन एक नाम है जो कि आपके पास है, और यह हर जगह अवेलेबल है। जितने बड़े बड़े मार्ट से वहाँ पर से जाकर आप ले सकते हैं, चाहे वो वाइट फिश फ्ले जो कि हम बार बार इस्तेमाल कर रहे थे अपने रेसिपीज में, और इसके साथ साथ टूना कैन में भी मिल जाती है, बहुत सारे श्रिम्स हैं जो कि ब्रेडेड भी मिलेंगे, वैसे भी मिलते हैं, यानी वैरायटी ऑफ तमाम प्रोडक्ट्स आपको दी है ताकि सी फूड एक्चुअल टेस्ट मज़ेदार सा आप इंजॉय कर सकें, जो कि दे रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको सिब्लू। आज और क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रेसिपीज में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन फिलहाल एक टाइम छोटे से ब्रेक का, फिर ज्वाइन। बैक, और यहाँ पर जबरदस्त से बफलो विंग्स जो है उसे हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में डीप फ्राई कर रहे हैं। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल आपको मालूम है हमारी, चाहे वो कोई भी रेसिपी तैयार हो रही हो, चाहे वो फ्राइंग, डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, कुछ भी हो, हर रेसिपी तैयार करते हैं हम इस जबरदस्त से फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनस्पति में, क्योंकि सेहत की बात है, लज्जत की बात है और जायके की बात है, तो नो कॉम्प्रोमाइज। इसीलिए मैं फौरी तौर पर अब बनाने जा रही हूँ तड़का और दाल, ठीक है ना। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने बनस्पति ले लिया और इसको हम यहाँ रखते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट जाएंगे ये आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको दिखा दें कि जी विंग्स जो हैं, ये देखिए जी बफलो विंग्स बेहतरीन से ये हमारे फ्राई हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इस पर कलर आ जाएगा मैं इसको निकालूंगी। बफलो सॉस हमने निकाल लिया है। दाल का आपको दिखा दें कि कितनी हमें थिक दाल रखी, ये देख सकते हैं ज़रा, ठीक है। ये देखें कितनी थिक दाल है, ये इस दाल को हमें थिक रखना है, सही है जी। ये हो गया। अब मैं इसका, सॉरी,
नान के साथ खाना है। हाँ हाँ, नान के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये। चले जी, मैं इसका चूल्हा ऑन कर देती हूँ। यहाँ पर साबत लाल मिर्चे हैं मेरे पास, ये डालूँगी, लहसुन डालूँगी और एक चुटकी हम डालेंगे इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चों का, उससे ज़रा अच्छा सा कलर आ जाएगा। ठीक है जी, पहले यहाँ ज़रा सा चेक कर लें। आई एम श्योर कि आपको हमारी आज की रेसिपीज अच्छी लगेंगी। बफलो सॉस आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए जी, बेहतरीन ज़बरदस्त, अच्छे क्रिस्पी लग रहे हैं। बिल्कुल, अच्छी सी कोटिंग, प्रॉपर अच्छी क्रिस्पी, मज़ेदार से बफलो विंग्स आपके सामने। थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, ये देखा आपने, ये देखिए जी बेहतरीन। अब मैं ये बाकी के डालती हूँ, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम अपना जो हम तड़का तैयार करें उस पर जाएंगे। सही है जी, तड़के के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि हम क्या क्या चीज़ें लेंगे, दाल की कंसिस्टेंसी भी आप खा दिए। चूल्हा मैंने इस ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है खासा तेज़ है। ओके जी, ये इसमें डाल देते हैं, ये चला गया। सही है जी, क्योंकि काफ़ी तेज़ है, लेकिन क्योंकि हमें इतना रखना है कि हमारे जो विंग्स हैं वो चूँकि कच्चे हैं तो वो गल जाना चाहिए। सही है जी, यानी बहुत हाई फ्लेम पर नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, ये गया इसके अंदर साबत लाल मिर्चे। हाँ, इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, साथ ही चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। ये गैस में लहसुन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका हल मतलब ज़रा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। सही जी, ये और हो रहा है, हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक लेना है, बस ब्रेक पे जाने से पहले पहले हम एक ये दिखाते हुए चले जाएँ, और जाएगी इसमें ये एक चुटकी हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पिसी हुई। ये देखा आपने बघार कितना शानदार सा इसका तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, ये गया मिक्स किया, चूल्हा मैंने बंद किया और अब मैं इसको डाल रही हूँ। ठीक है जी, आप ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये तैयार मिलेगा आपको। ये परफेक्ट, अच्छा सा तैयार है, ज़बरदस्त सा है आपके सामने। आप देखेंगे किस तरह से रेडी किया है इसका भगार, दाल मेथी पालक, ये एक अच्छी मज़े की रेसिपी है जिसमें भगार भी हो गया, बफलो विंग्स आपके सामने है, बफलो सॉस इसी में ही डाली गई थी जिसकी रेसिपी आपने आपको बता दी कि किस तरह से फ्रेश स्ट्रीट की कुछ हमने सॉसेस का इस्तेमाल करते हुए मज़े की बफलो विंग्स तैयार कर सकते हैं। हाउस ऑफ समरा से ये एक बहुत ज़बरदस्त सा ब्रांड फ्रेश स्ट्रीट, जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ ज़बरदस्ती रिच और क्रीमी सॉसेस और इसके साथ साथ डिप एंड डिज़र्ट जो कि आपके हर डिज़र्ट को बनाने जाएंगे, ये बहुत ही ख़ास और ज़बरदस्त जो कि फ्रेश स्ट्रीट का है। ऑल द गुडनेस ऑफ सी यहाँ है सिब्लू हमारे पास, जो कि आपको दे रहे होते हैं ज़बरदस्ती वैरायटी ऑफ सारे वो सी फूड की जो जो आपका फेवरेट है। यानी अब सी फूड बेस्ट क्वालिटी का लेना बहुत आसान है क्योंकि आपके पास यहाँ पर सिब्लू है जो कि सब सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है। पाकिस्तान के हर शहर में बड़े बड़े मार्ट्स में ये अवेलेबल है, जहाँ से जाके आप सिब्लू या फ्रेश स्ट्रीट या हाउस ऑफ समरा के डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट चीज़ें जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं लेकर, और मज़े मज़े की रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल टाइम है इन तीन रेसिपीज़ के रीकैप का, तो रीकैप देखिए, फिर एक छोटा सा ब्रेक होगा, फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे आज के सवाल का जवाब के विनर के साथ साथ के। जी, हमने ये पूछा था कि पालक में सबसे ज़्यादा मकदार में क्या पाया जाता है, एंड इसकी तरफ से वेजिटेबल स्लाइस है जो कि आप लोगों को मिल सकता है। इसके लिए आप लोगों को दे रहे हैं जवाब, अभी भी टाइम है, 881 पर आप लोग SMS कर सकते हैं। चेक कीजिए रीकैप, ब्रेक ब्रेक है, फिर हाजिर होंगे ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के साथ। जी वेलकम बैक, और यहाँ रेसिपीज रेडी है, आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त से बफलो विंग्स के ऊपर मेरी नज़र है, साथ में आपने बफलो सॉस भी रखा है ताकि ये अब आप सेव करें, प्रिजर्व करें, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किए हैं, लेकिन इसको हम फ्रिज में रखते हुए कितने दिन? इसको आप रख सकते हैं काफ़ी दिन, जैसे आजकल तो इतना अच्छा मौसम है 10-15 दिन आराम से रख सकते हैं, नहीं तो आप उसको फ्रीज़र में रख दें, लेकिन जिस वक्त भी आप इसको थॉ करेंगे ना तो थोड़ा सा कुक कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप फ्रीज़र में कोई चीज़ रखते हैं उसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो उसको आप निकालिएगा और निकाल कर थोड़ा सा कुक कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है ना, बेहतरीन और ज़बरदस्त। और फिर इतनी सारी चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और बाहर से लेकर आते हैं बड़ी बड़ी बॉटल्स, और इतनी महंगी होती हैं, लेकिन आप घर में बना सकते हैं इसको, और ख़ासतौर से अगर आपको विंग्स बनाने तो फटाफट बनाइए। अच्छा, ये और बहुत सारी चीज़ों में किसी सैंडविच की रेसिपी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इसको एज ए डिप नहीं यूज़ कर सकते आप। इसमें अगर आप थोड़ा सा मेयोनीज़ मिक्स कर दें, यानी जैसे कि आधा कप मेयोनीज़ उसमें 1 टेबल स्पून बफलो सॉस मिक्स करें तो बफलो मेयोनीज़ बन जाएगी आपकी, बेहतरीन अच्छी सी डिप बन जाएगी।
है ना? क्या बात है, बिल्कुल मैं तो बना रही हूँ, मजे का बन जाएगा, मजे का बन, बहुत मजे का बन जाता है ना। तो आप सारी और रेसिपीज सारी हाँ। जो फ्राइड होती है रोस्ट रोस्ट और सबके साथ, सबके साथ बिल्कुल सर्व कर सकते हैं। आपको पता है आजकल तो जमाना ही इसका है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी आपको डिप आना चाहिए। हाँ बर्गर सैंडविचेस इन सब में, सब में काम आती है। फिर अच्छा आपके पास इंग्रेडिएंट ऐसे थे, बेसिक चीज मेयोनीज लेमन जूस दो चीजें हैं, उसके बाद आप इसमें कोई भी चीज ऐड करते चले जाए तो अच्छा सा इसका फ्लेवर। बारबेक्यू सॉस इसमें ऐड कर दे तो बारबेक्यू का फ्लेवर क्रिएट करते कर ना? ये तो बिल्कुल आपके अपने माइंड की क्रिएटिविटी है कि किस तरह से आप इन चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। दाल को ना भूलेगा, लेकिन इनके साथ साथ दाल भी बहुत मजे की है। ये इतना अच्छा भगार आपने लगाया जो महक रहा है तक किचन, खुशबू अच्छी आ रही है। जबरदस्ती दाल भी आपके सामने है, सर्विंग देखिए बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी सी आपने कर दी है, जो कि यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी। देखिएगा हाँ ठीक है। अच्छा आज हमने आपसे सवाल किया था स्पिनच के हवाले से, यानी पालक के हवाले से, जो विनर है एनएक्स के वेजिटेबल स्लाइसर के वो है नीलोफर फ्रॉम कराची। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक नीलोफर, जल्द आपके पास मिल जाएगा और जब आएगा तो फिर इंजॉय करें, क्या जबरदस्त सी वेजिटेबल स्लाइसर है। अभी हमारे यहाँ एक बड़ा शरीर से एक बच्चा है हाँ। वो कह रहा था कि जी पालक में सबसे ज्यादा मट्टी पाई जाती है हाँ। तो मैंने कहा वाकई होता था ऐसा? सच तो बिल्कुल है वाकई, जिसको काफी ये हमारे यहाँ वॉश करना जी जनाब बिल्कुल हमारे यहाँ एक बसीरत के नाम से एक शरीर आदमी जो इस तरह की बातें करते हैं। बहरहाल कल हमारी क्या रेसिपी बनने जा रही है? हमारी रेसिपी बनेगी अचारी चना मुर हांडी है। इसके अलावा दही वाले आलू बनेंगे और एक बनेगा बहुत ही शानदार सा जबरदस्त सा शेक बनेगा। कैसे बनेगा, किस चीज़ से बनेगा, इसके लिए आपको हमारा प्रोग्राम देखना होगा। लज्जत ओके, यानी बच्चे बड़े और सबके लिए होने लगा है वो बहुत ही हेल्दी और जबरदस्त। बिल्कुल, तो वो जानना है हमने शेक के बारे में। बाकी ये दो और रेसिपीज ये भी हैं बहुत ही खास, तो इसका रहेगा हमें इंतजार। फिलहाल तो ये रेसिपीज देखिए और इंजॉय कीजिए, देन ट्राई जरूर कीजिएगा। हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, कल मुलाकात करते हैं मजे की रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।